अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर। भंजे दड़ों की सैर का पार्ट वन आपकी खिदमत में हाजिर है। मुलाहज़ा फरमाइए, इसके बाद इंशाल्लाह जल्द ही पार्ट टू भी आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम मौजूद हैं जी इस वक्त भंजे दड़ों के म्यूज़ियम में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हम आपको जो दिखा रहे हैं, इसकी तफसीलात तो इनकी तख्तियों पर लिखी हुई है। और आइए हम साथ साथ चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये देखें, और पुरानी तर्ज की चीज़ें हैं, जैसे ये पड़ा हुआ जनाब पोट्री है, पोट्री ये बर्तन पुराने इनके, और ये जनाब इनका लिखा हुआ है जी के मॉडर्न ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। ये जी नक्शा है भाई, ये कौन सा नक्शा आपने बताया, क्या है? अच्छा, ये मंजर ठीक है, ये वाला ऊपर से जो जा रहा है ये सिंधु दरिया है जी, और ये पुराना लाड़काना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये पूरी रिवर है, उनके बाद जो डिस्ट्रिक्ट चेंज हो जाता है। राइट राइट राइट, आए जी इनको ये दिखाते हैं फिर आगे चलते हैं। ये जनाब कोट डीजी है यहाँ का एक, ये कोट डीजी है जी, और ये किला है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, ये देख रहे हैं जी। ये अमरी तो जगह है एक, उसके हवाले से एक घर पुराना बना हुआ है, ठीक है ना जी। ये देखें जी छोटे छोटे जो चीज़ें हैं, ये फिश कार्ट हुक है और स्टोन बॉल्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी, ये पत्थर की, और इसके अंदर ये हम बारीक बिनी से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम बड़ा शॉर्ट है। ये छोटी छोटी ईंटें जो इन्होंने बना के रखी हुई हैं आपको नज़र आ रही हैं। आइए हम आपको इनके औजार, कॉपर पॉट्स, ये कॉपर पॉट है, कॉपर मेंटेनेंस खाते हैं हम आपको। आइए जी वही भाई, देखिए ये जो है ना इसमें जी कप्स हैं, ये भी ये पुरानी तर्ज के जो इनके बर्तन यूज़ हो रहे थे, जो बर्तन यूज़ हो रहे थे, जो इनके सामान था, ये टूटे फूटे बर्तन देखें आप, और ये पीसीज हैं इनके पेंटेड पोटरी जो थी, बर्तन जो थे जो कलर्ड थे, वो जब टूटे फूटे ये रखे हैं, इनका डिज़ाइन आप ये रखें ये कैसे हैं। और नाज़र ये देखें आपके इनके ये बिल्कुल टूटे फूटे हुए हैं, सही बर्तन साफ़ जो हैं, इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है और इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं। ये कोई नमाइश के लिए इसलिए नहीं रखे गए कि नई बना के रख दी गई हूँ, ये उनके उस दौर में ये ज़रें इस्तेमाल थी। ये सिल और बट्टा इसका देखें आप, परात है, और इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हम दिखा रहे हैं कि मौजूदा के इस म्यूज़ियम से, और इसके साथ ही बड़ा साइज़ है तो ये आपको दिखा रहा है बच्चा। आइए अभी ये बहुत बड़ा एरिया है जी, ये देखें इन्होंने सीटिंग जो है वो बनाए हुए सीटेड फिगरें, ये जो है मंकी गॉड है जी, और वेद भाई क्या है ये फीमेल फिगर जी जी जी। ये नाज़रीन ये आप देखें, हमारी कोशिश ये है कि टाइम चूंकि शॉर्ट है तो हम आपको सारा ही दिखा दें। और ये बिग सील्स जो हैं, जो स्टैंप्स होती थी उस वक्त गालबन, ऐसा ही है ना, ये देखें इनके ये सील्स हैं, छोटी छोटी मोरें जिनको हम कहते हैं, और टच स्टोन ये दिखाएं जी, बिग स्टोन वेट, ये जैसे हम हमारे एक किलो का बट्टा है या जो वेट हमारे करने के ये वो वाले ये इस्तेमाल होते थे, ये पत्थर जो है ना ये नाप तोल के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे। टॉय फ्रेंड जी बर्ड, ये छोटे छोटे खिलौने आपको नज़र आ रहे हैं कि जी वैद भाई कितने खूबसूरत हैं, ये कितने मज़ेदार हैं, ठीक है ना, 5000 साल पुराना। ठीक है, ये इनकी गले के हार हैं, कुछ तस्बीह टाइप चीज़ें हैं, तो ये ज्वेलरी है, गले के हार, ये लिखा हुआ शेल ज्वेलरी, तो ये पत्थर का, सब पत्थर का है, आइवरी ऑब्जेक्ट्स। ये इंसानी हड्डियाँ हैं जी,
आपको साथ दिखाओ, ये इंसानी हड्डियाँ हैं, उनके पीसीज हैं, और ये कितने हज़ार साल, 5000 साल पुरानी जी, ये दांत दांत हैं जानवरों के जी, एलिफेंट टीथ, ये हाथी के दांत भी हैं जी, ठीक है जी। ये हमारे बाबा हैं जी, इनकी मदद से हम आपको ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं, और इनकी मेहरबानी है कि हमें दो चार मिनट इन्होंने एक्स्ट्रा दिए, तो हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। बाबा जी बहुत शुक्रिया आपका, हमें दो मिनट और दे दीजिए, थैंक यू। आइए जी, ये दिखाओ भाई, ये जो है ना, ये भी बाबा जी, ये क्या आइटम है जी? ये वाल क्लॉक, इसमें छोटे सुराग हैं साइड में जी, 9 सुराग हैं और 2 बड़े सुराग हैं, इसमें सरिया जान लकड़ी डाल के सूरज के साए से टाइम चेक करते हैं। अच्छा, सूरज के साए, और ये दरवाजे की चौखट जमीन में रखने के लिए, जैसे हिले ना दरवाजा। अच्छा, बात तो पे बच्चों को नहाने के लिए। अच्छा, वो बात आइए, और ये क्या पत्थर, ये हम दरवाजे के नीचे से गाँव में रखते हैं, इसमें दरवाजा रखते हैं तो घुमाने में आसानी होती है, जिसमें गेट के नीचे, ये वही चीज़ है, वो एक ही। थैंक यू, आइए जी। ये वीरिंग ज्वेलरी, फीमेल मॉडल जी ये, और ये भी ज्वेलरी है जी इनकी, 5000 साल पुरानी जी, उसका कल्चर होता है ना, कल्चर ड्रेसिंग है। अच्छा, कल्चर कल्चर कल्चर, ठीक है ठीक है। और ये भी ज्वेलरी है जी, एनिम, हाँ ये पॉट एंड रॉड, ठीक है जी 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 जी। ये छोटे छोटे खिलौने इन्होंने बनाए हैं, ये गाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, ये कॉट इनको कहते हैं, ठीक है जी, ठीक है नाज़रीन। आपने तो ये देखा, ये म्यूज़ियम है इधर, और हम आपको इसके साथ, चूंकि यहाँ का वक्त बड़ा वो होता है शॉर्ट, तो हमारी कोशिश थी कि हम आपको मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो जा के आपको अपडेट करें और आपको वहाँ की सकाफत दिखाएं, जो आज से कई सौ साल, 5000 साल पुरानी सकाफत है, ये बहुत कदीम है। मज़ीद हम यहाँ से निकलते हैं और आपको इसके बाहर निकल के, म्यूज़ियम से बाहर, चूँकि इसका टाइम ख़त्म हो गया, हम आपको बाहर चल के अपडेट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आइए मेरे साथ साथ, छोड़िएगा नहीं, मेरे साथ साथ चलिए, इंशाल्लाह आपको आगे दिखाते हैं जी। नाज़रीन तो ये देखें, जो सकावत थी पुरानी मोहनजोदड़ो की आज से कई हज़ार साल पहले, तो उस वक्त जो चीज़ें मौजूद थी, यहाँ के लोग जो यहाँ के दुकानदार हैं, इन्होंने उनकी डमीज तैयार करके रखी हुई हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उस वक्त में ये चीज़ें हुआ करती थी। ये आप देख लें, ये इनके मुजस्मे जो इन्होंने बनाए हुए हैं इस तरह से। ये भाई, ये क्या आपने क्या बनाया हुआ है दोस्त? ये किंग प्रिस्ट है, किंग प्रिस्ट। तो ये कितने, इनकी कीमतें क्या हैं? 500 का एक है। और ये घोड़े वोड़े जो बनाए हुए हैं आपने? अच्छा नहीं, ये तो इनका तो उससे ताल्लुक़ नहीं है ना, पुरानी तरह से नहीं ना। अच्छा, नाज़रीन
आखिरी राज का हमारा ये विजय था बंदेदारों का, जो हमने खैर खुदी इसको मुकम्मल किया है। और मैं फायदेमंद और ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स ने मौजूदारों का विज़िट किया हो, जिन लोगों ने नहीं देखा आज हमने उनको ये दिखाने का इंतज़ाम किया है। हमारा प्रोग्राम इसी विज़िट के बाद ये मुकम्मल होता है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बराए मेहरबानी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को बज़्म ज़ुबैर चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अनकरीब हम एक और प्यारी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक आप अपने दोस्त अपने भाई को इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।